मोदी की गारंटी के तहत सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर करने सहित विभिन्न मांगों को पूरा करने दुर्ग में एक दिवसीय धरना दिया और प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ शिक्षक मोर्चा के बैनर तले शुक्रवार को दुर्ग में प्रदेश के LB संवर्ग के समस्त शिक्षकों का साझा मंच करते हुए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश सरकार से मोदी गारंटी की गुहार लगाई। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हम सब हम सब। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित जिले भर से पहुंचे शिक्षकों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने प्रतिक्रिया दी। मांग है कि हमारी जो प्रथम नियुक्ति तिथि है उससे हमारी सेवा की गणना की जाए और उसके तहत हम शिक्षकों को सारे सुविधाएं हमको प्रदान की जाए, क्रमोन्नति दी जाए और जो वेतन विसंगति है उसे दूर किया जाए। जैसा कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में हमसे वादा किया था कि उनकी सरकार आते ही वो मोदी जी की गारंटी लागू होगी हमारे प्रदेश में और शिक्षकों की जो भी परेशानियां हैं वो दूर की जाएंगी, तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि वो अपने घोषणा पत्र में किए हुए वादे को पूरा करें और हम शिक्षकों की मांग पर ध्यान दें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा और हमारे नेताओं के द्वारा और रणनीति बनाई जा रही है इस क्षेत्र में और जैसा हमको गाइडलाइन मिलेगी हम उसके हिसाब से काम करेंगे और हमारी हड़ताल फिर आगे जाएगी। यहाँ पर छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के तहत समस्त शिक्षक द्वारा यह मांग की जा रही है और हमारा दुर्ग जिला शारीरिक शिक्षा संघ इसका समर्थन करता है और पूरे जिले से लगभग सभी मोर्चे के संगठन यहां पर शामिल हुए हैं। जो मोदी की गारंटी है के तहत जो यहां पर छत्तीसगढ़ शासन ने अपना वादा किए थे उस वादे को निभाने के लिए यहाँ पर मोर्चा के बैनर में आज जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम आयोजित है, जो छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से विगत चुनाव के समय मोदी की गारंटी लागू करने की बात की गई थी, जिसमें वेतन विसंगति से लेकर क्रमोन्नत वेतनमान, लंबित महंगाई भत्ता के भुगतान, समय पर भुगतान की बात कही थी। लेकिन आज एक साल बीतने के बाद भी इस पर सरकार अमल नहीं कर रही है, इसी को ध्यान आकर्षित करने के लिए आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आगामी रूपरेखा के तहत 1 नवंबर को जिस दिन छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था उस दिन पूरे मोर्चा के द्वारा दीप जला करके सरकार को जगाने की प्रयास करेगी और उसके बाद 12 नवंबर से 26 नवंबर तक सभी जनप्रतिनिधियों को विधायक एवं सांसदों के माध्यम से ज्ञापन के माध्यम से उन्हें अवगत कराया जाए। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।